फ्री में सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल करिए ताकि जब नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो दोस्तों ये है मेरी महिंद्रा स्कॉर्पियो और आप देख सकते हैं कुछ चेंज यहाँ पे जो बेसिकली मैंने लगवाई है इसमें क्रोम किट, जो कि मैंने कई जगह पे नहीं लगवाई है जहाँ के ऑप्शंस मिलते हैं, कई जगह पे मैंने लगवाई है जो मुझे सुइटेबल लगते हैं, जो कि वहाँ पे लगवाना बनता है बिकॉज वो गाड़ी के लुक को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं और साथ साथ बहुत ज़रूरी भी होता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और मैं आपसे यही बात करूँगा कि आपको क्रोम कहाँ कहाँ लगवाना चाहिए, कौन सा लगवाना चाहिए, कंपनी वाला लगवाना चाहिए, आफ्टर मार्केट लगवाना चाहिए और कहाँ आपको नहीं लगवाना चाहिए। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड वीडियो ऑफ क्षितिज द्विवेदी डिफरेंट वीडियोस। और आज के इस वीडियो में करते हैं बात थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी डिफरेंट। सो मेरा नाम है क्षितिज द्विवेदी और मैं जो इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ क्रोम किट फॉर महिंद्रा स्कॉर्पियो। सो इस वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक और वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाते हैं हम गाड़ी के फ्रंट की तरफ, तो आपको क्या क्या क्रोम के ऑप्शंस मिलते हैं। तो टॉप टू बॉटम चलते हैं, तो ये है आपका बोनट स्कूप। आप इसको भी फुल क्रोम की स्ट्रिप लगवा सकते हो, इसमें भी आप क्रोम अपना लगवा सकते हो तो गाड़ी को लुक अच्छा मिलेगा, पर वो मेरे अकॉर्डिंग रिकमेंडेड नहीं है। मैं लगवाने के लिए बिल्कुल नहीं कहता हूँ क्योंकि क्या होता है कि डायरेक्ट पानी पड़ता है तो उससे क्या होता है यहाँ पे आपका जंग लग जाता है, तो इस वजह से वो आपको लगवाना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, लुक को वो अच्छा कर देता है, चाहे आप कंपनी से लगवा लो चाहे वो आप आफ्टर मार्केट लगवा लो। लेकिन अगर आप यहाँ पे लगवाओगे तो रस्टिंग वो निश्चित होगी, हालांकि कंपनी वाले वारंटी देते हैं। तो नीचे की तरफ आते हैं तो आप जानते हैं ये जो आप ग्रिल देख रहे हो ये हालांकि टॉप एंड वेरिएंट है, जहाँ पे आपको ये जो स्लॉटेड ग्रिल्स मिलती हैं डी शेप की कुछ, तो यहाँ पे तो ये पहले से क्रोम इंसर्ट आता है, लेकिन आफ्टर मार्केट या डीलर या ऑथराइज्ड शॉप्स वगैरह से आप एक्सेसरी के तौर पे ये वाली ऊपर की पट्टी क्रोम की लगवा सकते हो, जो अराउंड आपकी 1200 1300 1400 का सिंगल पीस आएगा, जो कि ये पूरी पट्टी के साथ ये जॉइंट आएगा। ओके, तो ये जॉइंट अलग से आता है, ये और इसका लगा हुआ इसमें, यानी कि ये पट्टी लग रहेगी उसमें ये नीचे फिट रहेगा। बाकी आपको इंसर्ट्स तो पहले से यहाँ पे कंपनी से लग के आएंगे अगर आप S11 लेते हो, या अगर आप S9 में लेते हो तो वो आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश में देखने को मिलते हैं, तो आप उसको क्रोम फुल करा सकते हो। एक ऑप्शन आपको मिलता है कि आप इन हनीकॉम मेश वाली ग्रिल को भी पूरा क्रोम करा सकते हो, लेकिन वो मुझे नहीं पसंद। मुझे ये वाला पैटर्न थोड़ा सा ड्यूअल टोन लुक देता है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी लाइट की तरफ, तो यहाँ पे भी आप सराउंडिंग पे क्रोम लगवा सकते हो, वो भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जो कि लुक को अच्छा कर देता है, बट वो रिकमेंडेड इसलिए नहीं रहता है कि क्या होता है कई बार क्रोम निकल जाता है जो कि इसमें ग्लू छोड़ जाता है, और कई बार हमको पसंद नहीं आता तो हम निकालने की कोशिश करते हैं तो वो उससे जो है हेडलैम्प्स हमारे टूट जाते हैं। तो ये मेरी बात हमेशा याद रखना कि प्लास्टिक पार्ट में क्रोम आप लगवा सकते हो बट मेरे अकॉर्डिंग लगवाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम नीचे की तरफ, तो आप जानते हैं कि ये S11 टॉप एंड वेरिएंट है, तो यहाँ पे इतना क्रोम तो आपको देखने को मिलता है, लेकिन आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप इस प्लेट में भी क्रोम लगवा सकते हो, जो कि अगेन अच्छा लगता है और वो आप बिल्कुल लगवा सकते हो बिकॉज वहाँ पे पानी, यहाँ पे डायरेक्ट पानी आने का कोई चांस नहीं रहता। हालांकि नीचे जब भी बारिश में पॉट होल से गाड़ी जाती है तो यहाँ पे पानी पड़ सकता है और वो रस्टिंग खा सकता है, लेकिन इतना चांसेस कम होती है, आप बिल्कुल यहाँ पे लगवा सकते हो। तो ये सामने की बात हो गई जहाँ पे आपको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं क्रोम के। और इसके अलावा बुल बार या बम्पर जो आप एक्स्ट्रा लगवाते हो क्रोम वाला, अब तो वो इलीगल हो चुका है, नहीं तो उसके बारे में भी आपसे बात करता, वो नहीं लगवाना चाहिए बिकॉज आगे वाले पैसेंजर को या मतलब थ्रस्ट
उतना नहीं मिल पाता है, शायद एयरबैग से वो इंटरफेयर करता है, तो उसके लिए शायद नहीं लगता, या कोई आगे सामने टकरा गया तो उसको कुछ ज़्यादा डैमेज हो जाता है, इस वजह से आगे का बुल बार जो है वो इलीगल हो गया। इसके अलावा जो आपको फ्रंट में और ऑप्शंस मिले तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता दें। तो ये है फ्रंट की पूरी बात क्रोम किट की। नेक्स्ट आ जाते हैं हम साइड में। तो ये जो फेंडर का ये आपका स्ट्रिप मिलती है, ये सिर्फ सिल्वर फिनिश में मिलती है। यहाँ पे आपको एमहॉक की बैजिंग दिख रही है, इसके सराउंडिंग करती हुई सराउंडेड रहती है वो पूरी सिल्वर फिनिश की, जिसके ऊपर ये जो क्रोम की आप स्ट्रिप देख रहे हो वो लगाई गई है। तो ये एज अ एक्सेसरी मिलती है आपको 1000 रुपये में, आई थिंक। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप वहां से रेट वगैरह पता कर सकते हो। तो ये मैंने अलग से लगवाया, और ये लगवाना बिल्कुल बनता है, बिकॉज ये आपके शो को अच्छा बना देता है, बिकॉज आगे की जो ग्रिल्स लगी हुई हैं ये वाली जो पहले से मिलती हैं कंपनी से, यहाँ पे स्लॉट में जो इंसर्ट्स रहते हैं क्रोम के, उससे ये मैच कर जाती है। तो ये लगवाना डेफिनेटली बनता है, और ये आप बिल्कुल लगवाइए, मेरे हिसाब से ये लगवाना चाहिए, और कंपनी से ही लगवाना चाहिए। आफ्टर मार्केट नहीं मिल पाएगा उतना अच्छा, लेकिन कंपनी में आपको अच्छा स्नग फिट वाला मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको क्रोम लगवाना बनता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने ORVMs की तरफ। ORVMs में क्रोम इसलिए लगवाना पड़ता है बिकॉज इस गाड़ी में ये बॉडी कलर ORVMs आते हैं, और कई लोग क्या होता है मतलब खरोंच मार के चले जाते हैं, साइकिल वाले, मोटरसाइकिल वाले या दूसरे गाड़ी वाले, तो उससे पेंट पूरा ऊपर का निकल जाता है। तो उसको प्रोटेक्ट करते हुए ये क्रोम का पूरा आपका पैनल लग जाता है इस पर, जो कि अच्छा भी दिखता है, गाड़ी के लुक को भी अच्छा कर देता है, और आपके पेंट को भी बचाता है। तो ये आपको लगवाना बनता है डेफिनेटली, और ये मस्ट थिंग है। आ जाते हैं हम यहाँ पे सन वाइज़र, टूर वाइज़र, रेन वाइज़र की तरफ। तो यहाँ पे भी आपको एक क्रोम का ऑप्शन मिलता है, बट आप वो मत लगवाइएगा, सबसे अच्छे ये प्लास्टिक वाले लगवाइएगा, बिकॉज इससे क्या होता है, इसमें अगर क्रोम के होते हैं तो उसमें जंग लगने का खतरा ज़्यादा होता है, रस्ट होने का खतरा ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें आपका रस्ट नहीं होता। और ये भी मस्ट लगवाने वाली एक्सेसरी है, बिकॉज इससे क्या होता है, अंदर जो है पानी नहीं घुसता है, जिससे क्या होता है जंग नहीं लगता है। तो ये लगवाना बिल्कुल बनता है, और इससे क्या होता है आप थोड़ा सा कांच खोल के भी अपनी गाड़ी चला सकते हो ड्यूरिंग रेन। तो ये भी एक अच्छी एक्सेसरी है, ये आप लगवाइएगा। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको ये क्रोम का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अगेन वही वाली बात है हमारी डोर हैंडल्स की तरफ। डोर हैंडल्स हमको अच्छे लुक दे देते हैं, पर अगर आप कंपनी में लगवाने जाओगे तो बी फ्रैंक बोल रहा हूँ कि आपको इस तरीके का थोड़ा सा स्पेस देखने को मिलेगा, बिकॉज कंपनी में यही साइज़ आपको मिलता है। आफ्टर मार्केट जाओगे तो आपको ये वाला भी ऑप्शन क्रोम से कवर मिलेगा विथ आपका डोर हैंडल, तो वो आप इसको ऑप्शन में लगवा सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ इतना ही लगवाना है तो आप आफ्टर मार्केट पे भी इतना लगवा सकते हो। तो कंपनी में आपको ये लगेगा थोड़ा सा स्पेस के साथ में। इसके अलावा ये भी लगवाना बहुत ज़रूरी रहता है, बिकॉज क्या होता है इसमें भी बॉडी कलर आता है तो वो अच्छा भी नहीं लगता, और बॉडी कलर वाला जो रहता है धीरे धीरे फेड होने लगता है हमारे खोलते बंद करते, कई बार बगल से कहीं से इसमें किसी ने टक्कर मार दी तो उससे भी स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं। तो ये क्रोम आप लगवा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा इस पर स्क्रैच आएंगे तो आप नया बदलवा लोगे। तो ये भी एक मस्ट एक्सेसरी है क्रोम के लिए। इसके अलावा आपको बाकी यहाँ पे सिल्वर फिनिश में स्कॉर्पियो लिखा मिलता है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और ऑप्शन मिले तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ये वाले एरिया की तरफ। तो यहाँ पे भी क्वार्टर ग्लास के लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है क्रोम स्ट्रिप का, जो कि अच्छा लगता है, बट मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, बिकॉज वो फिर अगर आप लगवाओगे तो आपको लगेगा कि ये अधूरा है। तो इसके लिए वो चीज़ अभी शायद आती है या नहीं आती, आप नीचे कमेंट करके बताओ। लेकिन अगर आप ये लगवाते हो तो आपको ये लगवाना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये फिर अगर आप इसको लगवा लेते हो तो ये अधूरा लगेगा, अगर इसको लगवा लेते हो तो ये अधूरा लगेगा। लेकिन अगर आपको लगवाना है तो आपको ये दोनों साथ में लगवाना है, नहीं तो फिर किसी को भी नहीं छेड़ना, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं। तो एक ऑप्शन आपको ये भी मिलता है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाता है आपका क्रोम का पूरा यहाँ पे एक पैनल टाइप का लग जाता है, तो वो भी एक ऑप्शन है, आप लगवा सकते हो, लेकिन अगेन ये ज़्यादा अच्छा लगता है लुक वाइज बिना क्रोम के। तो मुझे तो पर्सनली इसी तरीके की गाड़ी पसंद है, जितना क्रोम ज़रूरी रहता है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है आपका ये टेल लैम्प। टेल लैम्प में भी आप सराउंडिंग में क्रोम लगवा सकते हो, बट वही बात है कि प्लास्टिक पार्ट है, अगर आप क्रोम निकालोगे तो ये टूट भी सकती है और अपने आप निकलेगी, तो यहाँ पे ऐसे ग्लू छूट जाएगा उसका पूरा, और जब उसको छुड़ाने जाओगे तो मे बी आपका डैमेज हो जाए, तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे लगवाना सही नहीं रहेगा, लेकिन आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे लगवा सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया पूरे हैंडल्स मैंने क्रोम लगवाया, तो ये वाला डोर हैंडल और ये वाला जो क्रोम एप्लीक है वो दोनों सिमिलर हो जाते हैं, तो वो बेस्ट लगते हैं मेरे को, अच्छा लगता है पीछे की तरफ, मतलब ये चीज़ होना मस्ट है, अगर आपका ये क्रोम का है तो ये आपका होना चाहिए, एक गाड़ी को अच्छा शेड दे देता है, तो ये भी मुझको अच्छा लगा तो मैंने ये लगवा लिया। नेक्स्ट आपको ऑप्शन नीचे की तरफ मिलता है, यहाँ पे भी आप क्रोम लगवा सकते हो जो कि अच्छा दिखाता है पीछे से गाड़ी को, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है यार, ये ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को, ये ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन इसका लगता है विदाउट क्रोम स्ट्रिप। अगर आपके पास S5 है तो आपको ये पूरा ब्लैक मिलेगा, तो आप ये पूरा क्रोम का करा सकते हो, ये पूरा क्रोम का करा सकते हो, तो ये भी आपके पास ऑप्शन मिल जाता है। बाकी इसके अलावा जो एडिशनल एक्सेसरी है उसके बारे में मैं और वीडियो बना सकता हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं लास्ट चीज़ बताना चाहूँगा, आप पीछे की तरफ प्रोटेक्टर के तरफ जा सकते हो, गार्ड्स वगैरह लगवा सकते हो, क्रोम फिनिश में जो गार्ड्स आते हैं वो पीछे से गाड़ी को बचाते हैं, लेकिन वो मेरे हिसाब से तभी लगवाना अच्छा रहता है जब आपका आगे भी गार्ड लगा हो और पीछे भी गार्ड लगा हो, यदि बस पीछे गार्ड लगा है तो वो थोड़ा सा ऑड लगेगा, बिकॉज आगे बहुत ज़रूरी रहता है, बिकॉज आगे से भी गाड़ी लगती है और पीछे से भी गाड़ी लगती है, तो पीछे भी गार्ड होना चाहिए आगे भी गार्ड होना चाहिए, बट वो एक इल्लीगल हो चुका है तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। प्रोटेक्टर आपको ऑप्शन की तरह आप लगवा सकते हो, बिकॉज पीछे से लोग मार सकते हैं, और ये आप जानते हैं प्लास्टिक फाइबर मटेरियल का होता है, तो ये आसानी से टूट जाता है, और इंश्योरेंस कंपनी वाले भी थोड़ा सा क्लेम में प्रॉब्लम करते हैं, और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ सेंसर आपकी लगी है तो इसको भी डैमेज कर देते हैं, तो ये पूरी क्रोम किट आप अपनी गाड़ी में लगवा सकते हो। तो अब चलते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ, तो वीडियो हो चुका है एंड, अब मैं आपसे लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगा, बिकॉज वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा बन चुका है, आप लोगों को एकदम डिटेल में चीज़ें पता चल जाएंगी, सारी चीज़ों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्राइसेस समेत, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो, M2 All से आप ऑर्डर कर सकते हो, मे बी अभी आप रेड जोन में नहीं कर पाओगे बिकॉज इट इज़ नॉट एन एसेंशियल आइटम ही, सिर्फ आप ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में कर सकते हो, रेड जोन में आप सिर्फ एसेंशियल आइटम कर सकते हो, नॉन एसेंशियल नहीं कर सकते हो। तो अब वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, हमेशा अगर आप कोई भी क्रोम की एक्सेसरी लगवा रहे हो तो कोशिश करो कि ऑथराइज डीलर से लगवाओ या ऑथराइज चीज़ें ही लगवाओ, आफ्टर मार्केट जाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो वर्थ नहीं है अपनी कीमत की, हालांकि आज की डेट में बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो कई चीज़ सस्ती पड़ती है, बहुत कम में पड़ती है, मैं भी कह रहा हूँ बहुत सस्ती पड़ेगी लेकिन क्वालिटी उसकी बहुत बेकार होती है, और ये लोग कंपनी वाले वारंटी देते हैं और उसको पूरा भी करते हैं, मेरा एक हैंडल जो डोर का था उसमें से क्रोम घिस गया था तो उसको चेंज किया था उसने बकाया, और अगर आप आफ्टर मार्केट में जाओगे तो सस्ता दे देंगे बट उसकी कोई गारंटी वो नहीं लेंगे, और जब रस्ट लगता है ना तो वो क्रोम बहुत बेकार लगता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाइए। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी सो पेशेंसली एंड बाय बाय।